बच्चों ये देखिए, आज आपको आरोही और अवरोही क्रम के बारे में बताया जाएगा। जैसे ये आप बच्चे हैं, आप खूब झूला भी झूलते हैं, आप खेलते कूदते हैं, तो इसको देख के आपको क्या कुछ याद आ रहा है? आप ये कौन सा झूला है? हाँ, ये फिसल पट्टी वाला झूला है जिसमें आप इधर से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से फिसल कर उतर जाते हैं। ठीक है, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे झूला झूलने के लिए, तो आप गिनती गिन के चलिए। जैसे नीचे सीढ़ी से आप चल रहे हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी, फिर पांचवी। ये देखिए, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, ऐसे चढ़ के आप ऊपर चले जाते हैं। तो आप एक एक कदम करके ऊपर बढ़ रहे हैं, एक एक कदम करके आप बढ़ रहे हैं, ऊपर पहुंच गए। तो इसको आप आरोही अवरोही को समझने के लिए आप इसको इस तरह से सीढ़ी का भी नमूना आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि जैसे सीढ़ी होती है, फिसल पट्टी वाला सीढ़ी होती है और वो फिसल पट्टी होती है। तो आरोही क्या है? जब आप चढ़ रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, वो आरोही। जब आप फिसल के नीचे उतर रहे हैं, ये वाला, तो ये अवरोही। आरोही में एक 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 पड़ता जाएगा, यानी आप छोटे से नंबर से पहली सीढ़ी से फिर दूसरी पे चढ़े, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी सीढ़ी, ऐसे एक एक के करके अब बढ़ रहे हैं। और फिर जब आप ऊपर चले गए हैं, फिर अवरोही क्रम में आ रहे हैं। आप ऊपर पहुंच गए, ये पांच नंबर से आप गिनती शुरू करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। एक पे आप जमीन पर थे, यहाँ पर भी एक पे आप जमीन पर थे, यहाँ पर भी एक पे आप जमीन पे हैं। तो यानी आरोही में आप बढ़ रहे हैं और अवरोही में आप घट रहे हैं। आरोही में एक एक गिनती बढ़ रही है, अवरोही में एक एक गिनती घट रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ये एक अंक ही है। मैंने आपको संख्या के रूप में, उदाहरण के रूप में बताया है कि जैसे आपका फिसल पट्टी वाला झूला होता है, इसको आपको दिमाग में रखना है और आरोही अवरोही क्रम को ध्यान में रखना है। तो हम इसी झूले को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ सवाल करेंगे। जैसे एक अंकीय मैं आपको बताती हूँ, एक अंकीय है ये संख्याएं, तो हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। अब आरोही क्रम आपको ध्यान है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक एक करके बढ़ रहे हैं। गिनती शुरू कहाँ से कर रहे हैं? हम एक से, सबसे छोटे नंबर से शुरू कर रहे हैं हम। फिर दो पे आ गए, फिर तीन पे, फिर चार, यानी हम छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या पे जा रहे हैं। छोटी संख्या पहले, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या, यही आरोही क्रम है। आरोही क्रम आज हम करेंगे, अवरोही हम बाद में करेंगे, आज हम आरोही क्रम ही पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें आरोही क्रम में अब यहाँ पे एक अंकीय संख्या आई है, 2, 8, 6, 1, 7 और 5। सबसे पहले संख्या कौन सी आती है? इसके लिए आरोही अवरोही क्रम को करने के लिए आपको सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, गिनती का ज्ञान होना चाहिए। कम से कम आपको 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक गिनती जरूर आनी चाहिए। 1 से 100 तो बहुत ही आवश्यक है, और फिर 100 से आगे फिर बहुत आसान है, वैसे ही सैकड़ा के स्थान बढ़ता जाता है। अब देखिए, पहले मैं आपको एक अंकीय संख्या को समझाती हूँ। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो, पहले हमें क्या करना होता है कि संख्याओं को पढ़ना होता है। सबसे पहले पढ़िए, 2, 8, 6, 1, 7, 5। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी नजर आ रही है, जो सबसे पहले आती है? कौन सी है? 1, सही जवाब। उसके बाद एक के बाद, अब देखिए क्या आ रहा है इसमें, एक के बाद क्या आ रहा है? 2, 2, और 2 के बाद क्या आता है इसमें गिनती में? 2 के बाद आएगा हमारा 5, 5 के बाद देखिए ये क्या है, 5 के बाद क्या आएगा? 6, 6 आ रहा है इसमें। और ऊपर संख्याओं में देखो क्या है, क्या है? 7, 7 आएगा, और उसके बाद आएगा 8, सबसे आखिर में 8। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है आरोही क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे आखिर में सबसे बड़ी संख्या,
यानी छोटी संख्या से बढ़ते 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 जाना है। जैसे हमने झूले में करा, सबसे छोटी संख्या से हम बढ़ते 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 बड़ी संख्या पे पहुंच गए। इसी तरह से आरोही क्रम में हमें छोटी संख्या से शुरू करना है और बढ़ते 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 हमें बड़ी संख्या पे जाना है। तो हमारे पास संख्या थी 2, 8, 6, 1, 7, 5। हमने इसको आरोही क्रम में लिखा है, यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी 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 बड़ी, सबसे आखिर में सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8। यही हमारा क्रम होता है गिनती में भी, इसी सीक्वेंस में ये आती हैं। तो अब हम दो अंकीय संख्या करेंगे। देखिए ये उदाहरण एक मैंने लिया है, ऊपर वाला एक अंकीय था, ये दो अंकीय है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें संख्या को पढ़ना होता है। कोई भी आरोही अवरोही का करने के लिए सवाल, हमें संख्याओं को पढ़ना जरूरी है। तो पहले देखिए 25, 67, 15, 38, 50 और 42। अब हमें करना क्या होता है, हम देखिए आपको ये पता होगा कि यह हमारा इकाई संख्या है और ये हमारा दहाई संख्या। ऊपर वाली संख्याओं में सब इकाई संख्या थी, नीचे वाले में ये इकाई है, ये दहाई है। तो हमें ऐसे दो अंकीय संख्याओं को हल करने के लिए हमें इकाई की संख्या को पहले देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2, 6, 1, 3, 5, 4। ये एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये, अगर आपको गिनती बिल्कुल अच्छे से आती है 1 से 100 तक, तो आप दोनों संख्याओं को, दोनों अंकों को पढ़ के भी आप इसका हल कर सकते हैं। पर जिन्हें नहीं आता, मैं उसका छोटा सा शॉर्ट आपको बताती हूँ, सीखने के लिए आसान हो जाएगा, कि पहली संख्या को, जो दहाई की संख्या है, उसको आप पढ़ेंगे। देखिए 2, 6, 1, 3, 5 और 4। सबसे पहले कौन सा आता है इसमें, देखिए सबसे पहले क्या आता है गिनती में, एक ही आता है, तो सबसे छोटी संख्या ही होगी। हमें हमेशा सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। 15 के बाद क्या आता है, 15 के बाद क्या आता है बताइए, इसमें क्या है 15 के बाद, 15 से बड़ा क्या है, 15 से बड़ी तो सभी संख्या है, पर गिनती में 15 के बाद कौन सी संख्या आती है वो हमें लिखना। 15 के बाद आता है 25। देखिए एक लिखा, फिर हमने दो लिखा, यहाँ के दहाई की संख्या देखिए, दो के बाद फिर कौन सी दहाई की संख्या देखिए आ सकती है क्रम के अनुसार, ये 3 वाली, हाँ 30, 8, 38। और 3 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, देखिए 4 आ रही है ना, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 40, 2, 42। 42 के बाद, 42 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, 5 है ना, 4 के बाद 5 आता है, तो हम 5, 50 आ गया, ये 5, 0, 50। और सबसे आखिर में 6, 67, 67, 67। ठीक है, तो 15 इसका आरोही क्रम क्या बना, इसका आरोही क्रम बना 15, 25, 38, 42, 50 और 67। ठीक है, ये तो हो गई दो अंकीय संख्याएं। तो इसमें हम दहाई का ध्यान रखेंगे और इसको कर लेंगे, नहीं तो आपको दोनों संख्या पढ़ के भी आप आसानी से कर सकते हैं। कि जैसे गिनती में हम पहले 15 आता है, फिर 25 आता है, फिर 38 आता है, फिर 42 आता है, फिर 50 और फिर 67। अब हम तीन अंकीय संख्या को देखते हैं। देखिए तीन अंकीय संख्या में, अब पहले हम संख्या को पढ़ेंगे, क्या है ये 423। 423 के बाद 350। 350 के बाद 227। 227 के बाद 190। 190 के बाद 940। 940 के बाद 725। 725। अब हम इसमें देखेंगे, अब हम इसमें ये देखिए, ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा, ये सैकड़ा। अब इसमें हमें सैकड़े का स्थान हमें देखना है, सैकड़े की संख्या को हमें देखना है और उसी को, उसी के अनुसार हमें क्रम में लगाना है। जो छोटी होगी उसे सबसे पहले, जो बड़ी होगी उसे बाद में करते जाएंगे। अब देखिए ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 9 है और ये 7 है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, 1 वाली, यानी 190। 190 के बाद आएगा 227। 227 के बाद आएगा, ये 3 आता है गिनती में, 350। 350 के बाद 4 आता है गिनती में, 423। 423 के बाद 725। 725 के बाद
940। तो ये हमारा आरोही क्रम बन गया, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। 190, 227, 350, 423, 725, 940। हमने इसमें सैकड़े की संख्या को देखा है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़े की संख्या को देखा है, फिर हमने उसको क्रम से लिख दिया। जैसे एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, सात आया, नौ आया, जो भी उसमें संख्या दहाई की हो, सैकड़े की होगी, वो आप देखेंगे और उसी के अनुसार लिखेंगे। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे अगर दहाई या सैकड़े की संख्या, यहाँ पे अगर जैसे दो है, सभी में अगर दो दो होता, जैसे 25, 27 होता, 25 यहाँ पे और कोई संख्या होती, मतलब दहाई के स्थान पर सभी जगह दो होता, तो आप क्या करते हैं? यहाँ 28 होता, यहाँ 20 होता, यहाँ 22 होता, तो आप क्या करते हैं? तो फिर आप इकाई की संख्या को देखते हैं। किसको देखते हैं? इकाई की संख्या को। फिर आप क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, जैसे 20 आता, 20 के बाद फिर 25 आता, सॉरी 20 के बाद फिर 22 आता, फिर 25 आता, इस तरह से फिर हम इकाई की संख्या को देखते हैं। इसी तरह से सैकड़े वाले में अगर सैकड़े की स्थान सभी सेम होते, यहाँ 423 है, यहाँ 450, यहाँ 427, यहाँ 490, यहाँ 440, यहाँ 425 होता, तो आप क्या करते हैं? तो आप दहाई की संख्या को देखेंगे, ठीक है? तो फिर आप दहाई की संख्या को देखते हैं, दहाई की संख्या को देखते जैसे गिनती में आप क्रम में लिखते हैं, उसको देख के, दहाई को देखकर तब आप उसको क्रम में लिखते। तो ये है आरोही क्रम।